नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कंपनी में महंगी कारों में हाई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने के बावजूद शातिर चोर इन कारों को आसानी से चोरी करने की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। शहर के एक उद्योगपति ने हाल ही में ली एक टॉप वेरिएंट हाई सिक्योरिटी कार को शातिर चोर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनियों में इन दोनों शातिर चोर हाई सिक्योरिटी सिस्टम वाले इलेक्ट्रॉनिक कारों को अपना निशाना बना रहे हैं। जहां उद्योगपति मोहित बंसल की महंगी लग्जरी कार को शातिर चोर चुरा कर ले गए। अब इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि हाई सिक्योरिटी सिस्टम वाली कार थी। शातिर चोर पलक झपकते ही चुरा कर अपचक्कर हो जाते हैं। घटना की सूचना पर से पुलिस ने हालांकि मामला तो दर्ज कर लिया है, वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर ये शातिर चोर महंगी गाड़ियों को चुराने का काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में राजस्थान के एक ऐसे ही गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा था, जहां महंगी कार को चोरी करने वाले सलगना सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर में नया गिरोह सक्रिय हो गया है, जो लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। शहर में पहला मामला नहीं जहां इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई वाहन चोरी के मामले देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस इससे निपटने के लिए ऐसे गिरोह को जल्दी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। चोरी की घटना सामने आई है, ये फोर व्हीलर चोरी की घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र में हुई है, जिनके संबंध में अभी फुटेज वगैरह इकट्ठा किया गया, उस पर जाँच चल रही है। जाँच में हमको क्लू भी मिले हैं, जिसके आधार पर हम आगे उसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भी शहर में जो फोर व्हीलर की घटनाएं चोरी की नहीं हुई थी और ये अभी घटना हुई है, संभवतः बारह की गैंग प्रतीत हो रही है। पुराने जो ऐसे मामले थे उनका भी हमने एक डिटेल विवरण निकाला है और वर्तमान में भी ये कब आए, कहाँ से गए, इस संबंध में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी ज़िले हैं और आगे ए बी रोड वगैरह के ज़िले हैं, उनको भी अलर्ट किया गया है और वहाँ के भी स्थानों से जानकारी मंगाई जा रही है। इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चोरों को पकड़े और आगे ऐसी घटनाएं होने पे जरूर पड़े। चूँकि कोई भी चोरी की घटना होती है और अपने वाहन भारी संख्या में शहर में चल रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें चिन्हित करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि कौन सा वाहन चोरी का है, कौन वास्तविक मालिक का है। और अगर जो भीड़ रहती है, भीड़ का फ़ायदा कई बार चोर उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग समय समय पर जो चेकिंग होती है उसमें गाड़ियों के दस्तावेज वगैरह देखते हैं और इस संबंध में अपने स्टाफ को और संवेदनशील किया गया है कि इस एंगल पे भी चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति संदेहास्पद प्रतीत होते हैं उसको चेक करें और इसका ध्यान रखें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और